नमस्कार, मैं सुरेश पांडे। अगर आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि वो और कौन से साधन उपलब्ध हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन साधनों को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में कॉर्पोरेट बॉन्ड, डिबेंचर या बॉन्ड कहा जाता है। पैसे का एक सबसे बड़ा गुण होता है लिक्विडिटी, यानी तरलता। जब आपको पैसों की जरूरत है तो वो आपके हाथ में आ जाए। तो बॉन्ड लिक्विड होते हैं, कभी भी आप इनको कैश कर सकते हैं, लेकिन इनमें आपको बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि बॉन्ड या डिबेंचर्स होते क्या है। जब भी किसी कंपनी को पब्लिक से लोन लेना होता है तो वो अपना डेट का आईपीओ जारी करती है, जिसमें निवेशक सीधे कंपनी से वो बॉन्ड खरीद सकते हैं। उसके बाद वो डिबेंचर्स या बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं, और जिस प्रकार आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं उसी प्रकार से बॉन्ड में भी ट्रेडिंग होती है। तो एक बार फिर से, आखिर बॉन्ड या डिबेंचर होते क्या है? ये सिंपल सर्टिफिकेट ऑफ लोन है। जब भी कंपनी आपसे लोन लेती है तो एक सर्टिफिकेट जारी करती है कि हमने आपसे इतना लोन लिया है, हम इसका इंटरेस्ट आपको मंथली देंगे या क्वार्टरली देंगे या ईयरली देंगे। ये बॉन्ड कब मैच्योर होगा, यानी इसका प्रिंसिपल अमाउंट आपको कब वापस मिलेगा। तो बॉन्ड्स आर सर्टिफिकेट ऑफ लोन। जैसे बैंक एफडी में आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इंटरेस्ट क्वार्टरली चाहिए या एक्यूमुलेट होके जब आपकी एफडी मैच्योर हो तब आपको इंटरेस्ट चाहिए। बस डिफरेंस इतना है कि ये पैसा आप बैंक को न देके किसी कंपनी को दे रहे हैं, और साथ ही इस बॉन्ड को आप कभी भी बेच सकते हैं। आइए कुछ बॉन्ड के एग्जाम्पल लेते हैं। ये काफी कुछ पुराना बॉन्ड है जो 1623 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था। ये इमेज विकिपीडिया से ली है, जिसमें लगभग 6.25% इंटरेस्ट देने की बात कही गई है। ये एक दूसरा बॉन्ड है जो रिलायंस पेट्रोलियम ने जारी किया था। ये ट्रिपल ऑप्शन कन्वर्टेबल बॉन्ड है, इसको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके नीचे लिखा है कि किस डेट से किस प्राइस पे ये शेयर में कन्वर्ट होगा, और जानेंगे इसी वीडियो में जानेंगे कि क्या होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी। आज की डेट में इस तरह के सर्टिफिकेट जारी नहीं होते हैं, बॉन्ड सीधे आपके डीमैट अकाउंट पे आ जाते हैं। अब जानते हैं कि बॉन्ड पे इनकम कैसे होती है। जब भी आप बॉन्ड पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बॉन्ड का इंटरेस्ट तो आपको मिलता ही है, साथ में बॉन्ड एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, उसकी प्राइस ऊपर नीचे घटती बढ़ती रहती है। वो कई कारणों से घटती बढ़ती रहती है, जैसे कंपनी की क्रेडिट रेटिंग चेंज हो गई या आरबीआई का इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, और भी बहुत सारे कारण हैं जो बॉन्ड के प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं। तो इस फ्लक्चुएशन का फायदा उठा के भी आप बॉन्ड से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बॉन्ड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, आरबीआई जब जब रेपो रेट बढ़ाता है तो बॉन्ड के प्राइस कम हो जाते हैं। यानी जब जब एफडी के ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड की प्राइस कम हो जाती है। कारण, मान लिया आरबीआई की ब्याज दर अभी 6% है और 8% पे बॉन्ड जारी हुआ है। अब आरबीआई ने उस 6% को 7% कर दिया, तो अब जो नए बॉन्ड जारी होंगे वो 8 से ज्यादा 9 साढ़े 9% पे मार्केट में जारी होंगे। तो पहले से जो बॉन्ड जारी मार्केट में अवेलेबल है तो उनकी प्राइस कम हो जाती है। लेकिन आज की डेट में आरबीआई लगातार रेट कट करते जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज बॉन्ड प्राइस के लिए है कंपनी की क्रेडिट रेटिंग। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कंपनियों को उनके डिफॉल्ट रेट के हिसाब से क्रेडिट रेटिंग देती है, BB- से AAA+ तक। यानी BB- रेटिंग की कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, उसकी क्रेडिट रेटिंग बेकार है। AAA+ की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। तो जितनी खराब क्रेडिट रेटिंग होगी उस बॉन्ड का इंटरेस्ट प्राइस भी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी होगी उसका इंटरेस्ट रेट उतना ही कम होगा उसके डिफॉल्ट करने के रेट के हिसाब से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बॉन्ड्स के लिए, बॉन्ड्स की मैच्योरिटी, कि वो बॉन्ड कब मैच्योर हो रहा है।
जनरली बॉन्ड्स 1 साल से लेकर 30 साल के लिए जारी किए जाते हैं, और ये देखा गया है कि जितनी लंबी अवधि का बॉन्ड होगा उसका इंटरेस्ट रेट उतना ही कम होगा। खैर अवधि का उतना प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहो तब बॉन्ड्स को बेच के उस बॉन्ड से एग्जिट हो सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है पार वैल्यू या फेस वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जिस प्राइस पे बॉन्ड जारी किया गया होता है। जब एक्सचेंज में ट्रेड करना शुरू करता है तो उस बॉन्ड की वैल्यू बदल जाती है। फेस वैल्यू मतलब किस प्राइस पे वो बॉन्ड जारी किया गया था, यानी कोई 1000 रुपए का फेस वैल्यू का बॉन्ड हो, जब वो ट्रेड होने लगेगा तो हो सकता है कि 1100 का हो, या क्रेडिट रेटिंग वगैरह इंटरेस्ट रेट पे फर्क आए तो वो 900 का भी ट्रेड हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बॉन्ड के लिए कूपन रेट। कूपन रेट और कुछ नहीं, बॉन्ड पे मिलने वाले इंटरेस्ट को ही कूपन रेट बोलते हैं। और इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेमेंट करेंसी, कि वो बॉन्ड किस करेंसी में पेमेंट करेगा। बहुत सारे बॉन्ड हैं जो डॉलर में या अदर करेंसीज में ट्रेड होते हैं, तो रुपये के फ्लक्चुएशन का फायदा भी उन बॉन्ड्स को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात कूपन रेट के बारे में, कूपन रेट सिंपल वही रेट होता है जो आपको बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिल रहा होता है। लेकिन कूपन रेट भी अलग अलग तरह के होते हैं। फर्स्ट है कि फिक्स्ड कूपन, यानी आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे मिलेगा। दूसरी तरह के कूपन होते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट। फ्लोटिंग जब जैसे जैसे आरबीआई रेट ऊपर नीचे करती है, रेट कट करती है या रेट बढ़ाती है, वैसे वैसे उस बॉन्ड के भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं। तीसरे होते हैं जीरो कूपन रेट, यानी उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो हम क्यों खरीदें। एक्चुअल में इंटरेस्ट वो एक्यूमुलेटेड हो जाता है। आपको 1000 रुपीज का बॉन्ड 800 या 900 में मिल जाएगा, और जब आप उसकी मेच्योरिटी आएगी तो आपको 1000 रुपीज मिल जाएंगे। बॉन्ड्स को हम दो और तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट टू रिडीम के हिसाब से। राइट टू रिडीम का मतलब कि जब हम उसको बेचना चाहते हैं या कंपनी उसको वापस भी ले सकती है, तो उस राइट के हिसाब से भी दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है कॉलेबल बॉन्ड, दूसरा होता है पुटेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड का मतलब हुआ कि कंपनी उस बॉन्ड को कभी भी वापस ले सकती है। अब आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कम हुआ, बॉन्ड की प्राइस बहुत अच्छी चल रही है, आप बोलोगे कि भैया मेरे को बॉन्ड रखना है, लेकिन कंपनी बोलेगी ना ना हम इसको वापस कॉल करते हैं। कंपनी के पास राइट रहता है कि वो अपने बॉन्ड को कभी भी वापस ले सकती है जब भी कंपनी के पास पैसा पूरा हो। दूसरा पोर्टेबल बॉन्ड, पोर्टेबल बॉन्ड वो है जिस पे आपके पास राइट है कि आप कंपनी को वो बॉन्ड वापस कभी भी कर सकते हैं। जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है जिन कंपनियों की, वो बोलती हैं कि चलो भैया ठीक है बॉन्ड खरीद लो, जब तुम्हारा बेचने का मन हो हमको वापस बेच देना। तो इस तरह से दो कैटेगरी के में भी हम बॉन्ड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉन्ड्स के बारे में, दो वेरिएशन के बॉन्ड होते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड को उस बॉन्ड की शर्तों के हिसाब से आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब भी उसकी मेच्योरिटी होगी उसका पैसा आपको वापस मिलेगा। जैसे शुरू में मैंने जो रिलायंस का एग्जांपल दिखाया था वो कन्वर्टेबल बॉन्ड था, आप चाहें तो उस बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट एक सर्टन डेट के बाद एक सर्टन प्राइस पे करा सकते थे। अब आपने बॉन्ड्स के बारे में समझ लिया। अब सिंपल से बॉन्ड लेते समय आपको जो लाइन पढ़ने को मिलेगी, एक सिंपल से लाइन को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब क्या है। ए 10-year 6% सेमी एनुअल कॉलेबल सिक्योर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इसका मतलब है कि इस बॉन्ड की मेच्योरिटी 10 साल में होगी, इस पे 6% एनुअल, जहां भी डिवेंचर्स के आगे इंटरेस्ट रेट लिखा होगा वो एनुअल होगा, 6% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा सेमी एनुअल। इसका मतलब है कि हर 6 महीने में 3% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये बॉन्ड कॉलेबल है, कंपनी कभी भी इसको वापस ले सकती है, और साथ में ये बॉन्ड सिक्योर है, यानी कि डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है, और कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल है, यानी इसको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब ये जो सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बताए ये लाइव
आप कहां पर चेक कर सकते हैं कि और बॉन्ड को कैसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इसके लिए आप गूगल पे करिए एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाइए, उस पे लाइव मार्केट होगी, लाइव मार्केट के नीचे बॉन्ड ट्रेडेड इन सीएम यानी कैश मार्केट, इस ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो आपको अभी करंट मार्केट पे कौन कौन से बॉन्ड अवेलेबल हैं, उनका इंटरेस्ट रेट क्या है, उनकी फेस वैल्यू क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से आप इसको लाइव देख सकते हैं। अब उससे भी इंपॉर्टेंट बात, बॉन्ड्स आपके समझ में आ गए, अब आप बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बॉन्ड पे म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने का एक फायदा यह होता है कि म्यूचुअल फंड किसी सिंगल बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एक्सपर्ट आपके लिए बॉन्ड चुनते हैं और 15, 20, 30 बॉन्ड्स पे एक साथ बंच बना के वो इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि डिफॉल्ट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और इंटरेस्ट तो आपको हमेशा एफडी से ज्यादा ही मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, ये पेज लाइक कर दीजिए, इस तरह की फाइनेंशियल जानकारी आपको इस पेज पे लगातार मिलती रहेगी और आपके लाइक शेयर कमेंट ये सारी चीजें करने से हमारा भी हौसला बढ़ता रहता है।